वेलकम टू माय चैनल फ्रेंडली कुकिंग विद रुखसाना। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज आपको मैं ज़बरदस्त रेसिपी देने वाली हूँ। ये है ढाबा स्टाइल चने। तो अक्सर हम लोग घर में चने जो बनाते हैं तो वो इतने मज़े के नहीं लगते, तो हम कहते हैं ढाबे में जो चने होते हैं तो वो बहुत ज़बरदस्त होते हैं, उनका फ़्लेवर ही कुछ अलग होता है। लेकिन सबको ये चने बनाने नहीं आते, तो इसलिए आज मैं इसकी रेसिपी लेके आई हूँ ताकि आप भी घर में इसे बनाएं और इन्जॉय करें। इंतहाई सादा, कुछ नहीं डलता, लेकिन ये इतने मज़े के होते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त ये बनते हैं, बहुत टेस्टी बनते हैं। तो मैं आपको आज बताती हूँ इसका सीक्रेट। तो इसके लिए चने हमने लेने हैं और इसको ओवरनाइट हमने भिगो के रखा हुआ था, क्योंकि मैं सुबह को बना रही हूँ दोपहर के टाइम, तो मैंने रात को भिगो के रख दिया था। अगर आपने शाम को बनाने हैं तो आप चनों को सुबह को भिगो दें ना। इसमें आपने मीठा सोडा डालना है, कुछ भी नहीं डालना है, इसी तरह सादा पानी से धो के भिगो के छोड़ देना है। तो अब इन चनों को मैं कचके में डाल रही हूँ और इसमें अब पानी डलेगा। पानी हमने इसमें डालना है, जैसे कि आमतौर पे हम चने बना रहे होते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा पानी हम खुला पानी डाल के छोड़ देते हैं कि जी ये पकते रहें, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें हमने पानी उतना ही डालना है जितनी के हमें लगता है कि हमें इतना मसाला या ग्रेवी चाहिए इसकी। ये देखिए, ये है टोटल इसमें पानी, इससे ज़्यादा पानी हमने नहीं डालना, ठीक है। तो अब इसमें चले जाएगा एक चम्मच भर के बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा चले जाएगा एक चम्मच भर के, तो इसके साथ ही चले जाएगी एक टेबलस्पून लाल मिर्ची। हाफ़ टेबल स्पून नमक मैं अपने हिसाब से डाल रही हूँ, आप जिस हिसाब से चने लें, आपके घर में मिर्चें ज़्यादा कम, जिस हिसाब से खाई जाती हैं उसी हिसाब से डालना। और हाफ़ टी स्पून हल्दी, ये हमने इसमें डाल दिए। और अब हम इसमें सूखा धनिया और कुटा हुआ धनिया पाउडर, गरम मसाला भी हम कुछ नहीं डालेंगे। इसी तरह अब हमने ये दो से तीन चीज़ें इसमें डाली हैं, नमक मिर्च हल्दी और बेकिंग सोडा डाला है। अब हम इसे रख देंगे पकने के लिए। ये जस्ट सिर्फ 8 से 10 मिनट में ये रेडी हो जाते हैं, इससे ज़्यादा देर नहीं लगती, ना ही इतना पानी ये हमने इसमें डालना है। पानी आपने ख़ास ध्यान करना है, उतना ही डालना है जितना आपको लगे कि हमने इसका मसाला बनाना है, ठीक है। तो अब मैं इसे पकने के लिए रखती हूँ, फिर आपको मैं दिखाती हूँ। देखिए व्यूवर्स, ये अब माशाल्लाह से गल चुके हैं, ये देखिए जिस तरह के हमें चाहिए, इस तरह के होने चाहिए, ये आप देख रहे हैं ना, इस तरह के। ये देखें, अभी इनको मैं चूल्हे के ऊपर पड़ा रहने दूँगी, तो दूसरी साइड पर इनका मसाला तैयार कर लूँगी। ये देखिए व्यूअर्स, दूसरी साइड पे मैं इसको तड़का लगाऊंगी, वो तैयार कर रही हूँ। ये देखिए, मैंने एक मीडियम प्याज लिया है, आधा कप ऑयल लिया है। तो प्याज जो है आप देखें ब्राउन होने वाली साइड पे आ रहा है, इसे ज़्यादा ब्राउन नहीं करूँगी, बस हल्का सा इसका कलर चेंज होगा। तो इसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे, एक टेबल स्पून से लहसुन अदरक का पेस्ट है। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ मसाले वगैरह नहीं डालते, बस एक ट्रिक है जिसकी वजह से ढाबे के चने बहुत फेमस है, उनका टेस्ट बड़ा डिफरेंट होता है। घर में जो हम बना रहे होते हैं किसी भी तरीके से बनाएं, लेकिन उनका टेस्ट और ढाबे वाला जो टेस्ट है ना वो डिफरेंट होता है। इसलिए अक्सर घरों में तो बड़े भी या बच्चे भी कहते हैं कि हमने वो ढाबे वाले ही खाने हैं। तो अब इसमें जा रहा है लहसुन अदरक का पेस्ट, थोड़ा सा इसको फ्राई करूँ। अब इसमें चले जाएगा एक टमाटर और साथ ही इसके हल्दी और लाल मिर्ची। नमक नहीं डालूंगी, नमक मैं पहले ही डाल चुकी हूँ जितना मुझे चाहिए। देखिए व्यूअर्स, मसाला जो मैंने बनाया तड़का वो बिल्कुल रेडी हो गया है, तो अब मैं इसे डालने लगी हूँ अपनी चनों के अंदर।
अब चनों के अंदर गलने लगा। इधर आए ये देखिए, ये मैंने चनों के अंदर ये डाल दिया है। अब थोड़ा सा इसे मिक्स कर दूंगी और इसके साथ ही अब इसमें जाएगा ये देखें, ये खुश्क मेथी है, खुश्क की हुई है, और साथ में धनिया पाउडर है, हरी मिर्चें हैं और गरम मसाला है। ये सारा कुछ आप इकट्ठे साथ ही मैं चनों के अंदर ऐड कर दूँगी। और जी ये देखें कितनी प्यारी इसकी लुक और टेस्ट, इतना ज़बरदस्त इसका। दो मिनट के लिए हल्की आंच पे छोड़ दूँगी, मसाले वगैरह डालें उनका फ्लेवर आ जाए। देखिए व्यूअर्स, ये कितने ज़बरदस्त ढाबा स्टाइल के जो चने हैं वो बनके रेडी हो गए हैं। तो एक और आपको राज बता देती हूँ ढाबा चने जो बनाते हैं उनका, वो ये है कि जब ढाबे में ये चने बन रहे होते हैं तो ऊपर से वो तड़का नहीं लगाते, ये मैंने लगाया है। हम इसलिए लगाते हैं कि हमारे पास मज़ीद दूसरे सालन बने हुए नहीं होते, तो ढाबे में दाल चने गोश्त हर तरह का सालन बना हुआ होता है, तो वो गोश्त के ऊपर जो तरी आई होती है घी होता है ना, तो वो के ऊपर फिर वो डाल देते हैं, वो इस तरह से तड़का नहीं लगाते। तो हमारे पास अलग से कुछ बना नहीं था जिसका उतार के हमने रखा हुआ हो घी और अंदर डाल दें, तो इसलिए मैंने फिर ऊपर तड़का लगाया है। तो ये बहुत ज़बरदस्त हैं, इनकी खुशबू इतनी अच्छी होती है, इनका टेस्ट ही अलग होता है ढाबा के चनों का। तो आप इसे बनाएं और इसे इंजॉय करें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। और मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया और आप मेरे चैनल पे आए हैं तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और आप सबके लिए मेरी तरफ से भी बहुत सारी दुआएँ, खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह हाफिज़।